तो हमारा क्या, हम हुड्डा के ऑफिस इसलिए पहुँचे, हमने अपनी एमसी मैडम को बुलाया साथ में। हमारे घरों में पानी और सीवरेज का पानी दोनों ही खड़े हैं और 3 से 4 फुट पानी आया घरों में। इन्होंने हुड्डा वालों ने कोई शुद्ध नहीं ली। ये 10-15 दिन तो समस्या चल रही थी हुड्डा। बाढ़ के बाद ग्रामीण इलाकों में नुकसान के साथ साथ शहर में भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला शहर सेक्टर 8 व हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों के लोगों को सीवरेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अपनी समस्या को लेकर लोग वार्ड 17 पार्षद राणू देवी से मिले, फिर पार्षद व स्थानीय लोग हुड्डा कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद पार्षद के बात करने पर अधिकारियों द्वारा मौके पर समस्या का हल करवाया गया। लेकिन हुड्डा द्वारा भेजे गए लोगों के रवैये से गुस्साए महिलाओं ने मानव चौक हुड्डा ग्राउंड जाने वाली सड़क को जाम कर दिया, जिसको पार्षद के आश्वासन के बाद खोल दिया गया। वहीं समस्या से परेशान लोगों ने कहा कि 15 दिन से हमारे घर में सीवरेज का पानी घरों में बैक मार रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि पार्षद ने बाढ़ में भी लोगों का साथ दिया और आज भी हमारे साथ पार्षद खड़े हैं। साथ ही प्रशासन से नाराज लोगों ने कहा कि कोई भी प्रशासन से हमारे पास नहीं आया और ना ही किसी ने मदद की। हमारे घरों में पानी और सीवरेज का पानी दोनों ही खड़े हैं और 3 से 4 फुट पानी आया घरों में। इन्होंने हुड्डा वालों ने कोई शुद्ध नहीं ली और सीवरेज का पानी जो है आज 16 दिन हो गए हैं अभी घरों में है। इसलिए हम इनके पास कई बार कंप्लेन करके गए हैं, इन्होंने कोई नहीं सुनी। आज हार के कॉलोनी वासी इकट्ठे होके आए हैं और हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आपका एक आधे दिन में हल किया जाएगा। कौन कौन से एरिया के लोग हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 8 के कॉलोनी के मेंबर हैं। आश्वासन यही दिया गया कि एक आधे दिन में मशीनें लगा के आपको ओके कराया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती अगला क्या ना कार्रवाई हुई तो धरना दिया जाएगा। आज ऑफिस में आए हैं, इनको बोल दिया भी यहीं में रहेंगे हम भी, अपना कुछ ना कुछ हल कर लो या हमारे को रोटी यहाँ इंतजाम करो या अपना करो। तो हमारा क्या, हम हुड्डा के ऑफिस इसलिए पहुँचे, हमने अपनी एमसी मैडम को बुलाया साथ में और वहाँ के 16 दिन से हमारे घरों में सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। हम ना खा पी रहे हैं, कुछ बैठ भी नहीं रहे, बच्चे बीमार हो गए हैं, बुरा हाल हो गया सबको, एक कितनी एलर्जी हो गई है सारे, मतलब उसको है। और फिर ना तो कोई प्रशासन सुनवाई कर रहा है, कोई हमें देखने भी नहीं आया, हम प्यासे भी मरे हैं यहाँ पे, कोई देखने में लास्ट वाले दिन एमसी मैडम के वहाँ से आया हमारे लिए पानी है और खाना, बच्चे भूखे बैठे रहे, दूर से भी वो रहे हैं बच्चे हैं। तो कोई भी बंदा प्रशासन का कोई भी देखने नहीं आया भी आप कहाँ बैठे हो क्या नहीं, सारा सामान खत्म हो चुका है, सोने के लिए बेड तक भी नहीं रहे हैं। तो विधायक ने तो आगे ये भी नहीं पूछा भी, ये खबर भी भाई तुम जी रहे हो कि मर रहे, हम छतों पे बैठे रहे हैं पूरा। हमारे पड़ोसी के घर नीचे बैठने की जगह नहीं थी, हमने एक कमरे के अंदर इतने से कमरे में पैर मोड़ के 4 लोग बैठे रहे हैं हम। उन्होंने कभी मतलब ये भी नहीं पूछा भी आप भूखे हो प्यासे हो क्या कर रहे हो, रो रो के सारे दिन काटे हैं, 16 दिन हो गए अभी। अभी हम घर में ना पैर रख के अंदर जा भी नहीं सकते हैं, एमसी मैडम हमारे साथ घर जाके देख के आई है। तो ये सेक्टर 8 के हाउसिंग बोर्ड के सारे है। पिछले 16 दिन से हम लोगों के घरों में पानी बैक मार रहा है गटर का और हुड्डा की तरफ से कोई भी सफाई करने नहीं आया है और बच्चे सब बीमार हो गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों को। एमसी मैडम हमारे साथ खड़ी हैं, इनको हम बुला के लाए हैं, बेचारी सुबह से हमारे साथ हैं, पहले भी बाढ़ के टाइम भी हमारे बहुत काम आई हैं। प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ को ना कोई देखने आया ना किसी ने हमारी हेल्प करी है, भूखे प्यासे रहे हैं हम लोग। हाँ जी, किससे अधिकारियों ने क्या कहा अभी? कोई आया ही नहीं देखने हो तो हम आए हैं जबरदस्ती इनके यहाँ दफ्तर में बैठे धरना देके, हमारे यहाँ कोई पता करने नहीं आया हमारा। हमें बोला है भी। वहीं मौके पर पहुंची वार्ड 17 पार्षद राणू देवी ने कहा 10-15 दिन से सीवरेज की समस्या लोगों को आ रही थी, जिसके बाद हम सभी हुड्डा ऑफिस गए और जाने के बाद तुरंत ही समस्या का हल करवाया गया। हाँ जी बिल्कुल, ये 10-15 दिन तो समस्या चल रही थी हुड्डा सेक्टर में, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में काफ़ी देर से समस्या चल रही थी, सीवरेज ब्लॉक पे थी। हम हुड्डा दफ्तर में गए, तुरंत साड़ी सुनवाई हुई तो उन्होंने तुरंत मशीन भेजी और सुनवाई हुई, समस्या का हल तो हो गया तुरंत ही।
अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।